ക്യാമറ ഓണാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. പ്രഭുവിന്റെ നാമ ധന്യവാദം. പ്രഭുവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ സകലവ സ്തുതിപ്പാൻ യോഗ്യതവാനും പ്രഭു സാധിക്കുവാനാക്കി പ്രഭുക്ക് ധന്യവാദം കുറിച്ചു. പ്രഭു അപ്രമാണത്തെ സമസ്ത ബാഹുല്യം അവരെ ആശീർവാദം കുറഞ്ഞു. കത്തേക ദിന ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആമെ കുറിപ്പാറിനു കാരണം മധ്യ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന യുദ്ധത്തിലെ സെത്തിപ്പായി അമ്മ മാനെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി കരിപ്പാരുന്നു. അത് അവർ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി പായി ഈ സരംഗര പാദപിടരെ അമ്മ ഏകത്ര വെച്ചു. പ്രഭു അപ്രമാണക്ക് സമസ്തക്കോ ആശീർവാദം കുറഞ്ഞു. അമ്മ എ പി സി പുസ്തക ദ്വി അധ്യായ ഏക്കോ അധ്യായക്ക് അമ്മ ചിന്ത കൊടുത്തു. എ പി സി പുസ്തക ഏക്കോ അധ്യായ सातटी अनुग्रह लखा जाए से अपन माने देखते सातटी अनुग्रह प्रथम अनुग्रह है मन कले से प्रथम अनुग्रह द्वितीय अनुग्रह तार एकर एपीसी पुस्तक एकर पांच से एकर पांच जो उन्हीं से हम माने को जीसु क्रिस्ट को द्वारा अपना निबंध पुत्र परिवार को पुत्र कर दिले दुई तृतीय अनुग्रह हो जे पूर्व रे निरूपण कर दिले छ पद चारी मुक्ति एकर चौदह पद पांचटे अनुग्रह तार एगार पद एगार पद एक अधिकार स्वरूप तेणु जब ईश्वर अपना इच्छा रो संकल्प अनुसार समस्त विषय साधन करंदी यही अभिप्राय अनुसार हमें माने पूर्व और निरोगी दो है लोगों निरोगी दो है लोग जे परी कृष्ण बटारे पूर्व और भरसा करती लोग जे हमें माने ईश्वर को गौरव करो एगार पदरे एगार एमवीडी लगा जाए ची तंगटारे हमें अधिकार प्राप्त है अधिकार स्वरूप अधिकार स्वरूप है ये दिला तापरे तार एक आठ पद सही अनुग्रह से समस्त प्रकार ज्ञान समस्त प्रकार ज्ञान छ नंबर सात आम मुद्रा दी और तारे मु कह जा मन निंद कले पुत्र कले पूर्व रे निरूपण कले मुक्ति देले अधिकार प्राप्त ज्ञान सर्व प्रकार ज्ञान प्राप्त होला पवित्र आत्मार मुक्ति ए सातटी अनुग्रह आका ईश्वर आम एपीसी पुस्तक रे दैतले एक अध्याय रे सही प्रकार एपीसी पुस्तक रे दुई अध्याय मुख्य विषय है दीटा विषय हम एक मंडली
ईश्वर मंदिर उठु मंडली ईश्वर मंदिर और द्वितीय विषय सात प्रकार अभिशाप एपीसी पुस्तक दुई अध्याय एगार बार पद सात टी अभिशाप विषय लिखा जाए चिंता करवा आज आम चिंता करने जाऊँ एपीसी पुस्तक दुई अध्याय एक पद संसार भाव अनुसार उन्हें आकाश मंडल राज्य अधिपति अर्थात जेव आत्मा एवं ही अनात्म वो संतान मान को तारे कार्य साधन करुची ताहारो इच्छा अनुसार तुम्हे माने मध्य पूर्व रे आचरण करी एक दुई रो एक पद यही संसार रो भाव अनुसार पुणी आकाश मंडल राज्य अधिपति अर्थात जेव आत्मा एवं ही वनाज्ञा वो संतान मान को तारे कार्य साधन करुची ताहार इच्छा अनुसार तुम्बे माने मध्य पूर्व रे आचरण करी अपराध और पाप रे मृद थिल पुणी एवं दुई अध्याय को आसंदो आपण माने दुई अध्याय रो एक पद रे लेखा जाय चंदी संसार भाव अनुसार ए संसार भाव अनुसार भाव अनुसार पुनिया आकाश मंडल राज्य रो हां अधिपति अर्थात जे वो आत्मा यबे की अनात्म वो हो संधान मान को तारे कार्य साधन करुची ताहार इच्छा अनुसार तुम्बे माने मध्य पूर्व रे आचरण करी अपराध और पाप रे मृद थिल एडे ए लखा जाय छन आपण माने देखंदु ए संसार बोली लखा जाय छन अर्थात ए जगत तर अब जगत तर बोली बाइबल कह जाए जगतर विषय बाइबल कौन कहते माने देखा को पाँच जगतर अनुसार जीवन जापन करें बाइबल सेमती आक कहते गोटे विश्वासी जगतर ईश्वर पृथक कर दे गोटे विश्वासी को जीशु जगन सुसमाज पंद्र अध्याय उन्नीस पद रे से विषय लिखा जाय चंदे जदि तुम्हे माने जे मते घृणा करि जने एहा जानो जदि तुम्हे माने जगत और उत्पन्न होइता दे तांदो एबे जगत तुम मन को अपना रो लोक जानी स्नेह करांदा किंतु तुम्हे माने जगत और उत्पन्न होई न हो बरा मु तुम मान को जगत मध्य और मनन जो करी हो अन यीशु हम मान को जगत और मध्य रो मननीत करी हो मननीत करी हो चंदी तिने मने भाई बणी माने में जानिबा पाए जाउ चंदी जगतर मध्य ईश्वर हम मान के कौन कर मनन कर देखा पाई जाऊँगी जगतर ईश्वर हम मान मनोनीत कर जगतर वास कर जगतर सहित तो आम को बिल्कुल किछ संपर्क नहीं माने जगतर रीति नीति अनुसार आम कौन कर आचरण कर नहीं बाइबल कहते कारण जगत को प्रेम न कर बोली बाइबल कहते प्रथम जगन दुई अध्याय पंद्रह पद
ଦେବା ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରେମ ନ କର ସଂସାର କୁ ଅର୍ଥାତ ଜଗତ କୁ କଣ କର ନାହିଁ ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ପୃଥକ କରାଗଲେ ପୃଥକ କରାଗଲା ପରେ ଆମ ମାନେ କଣ ଜଗତ କୁ ପ୍ରେମ କର ନ କର ବୋଲି ଜଗନ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଜଗତ କୁ ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ ଜଗତ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ବାଇବେଲରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥରେ ଏକ ଜଗତ ବୋଲି ବାଇବେଲ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଭିତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିତର ତିନିର ସରି ଦ୍ୱିତୀୟ आकाश मंडल ईश्वर वाक्य द्वारा जलोर निर्गत हो जलोर अवस्थित पृथ्वी थिला द्वारा सही काल जगत जल विनष्ट पी वर्तमान आकाश मंडल पृथ्वी सही वाक्य द्वारा अधार्मिक लोक मान विचार हो विनाश जदि दिन विनाशर दिन पर्यंत संचित होई अग्नि निमंदे रक्षित होई अछि छात बल पुनि एही वर्तमान आकाश मंडल ओ पृथ्वी सही वाक्य द्वारा पदार्थ लोकमानंगर विचार ओ विनाशर दिन निमंदे विनाशर दिन पर्यंत संचित होई ए वर्तमान जगत रे बोली कहबार अर्थ आपण माने बुझंदु इडी कहबार अर्थ कोन अछि बोले ए पृथ्वी के सेड कहो जे जगत को ईश्वर कोन करंदी विनिष्ठ करबो बोली बाइबल लेखा जाय छ एडी केमे दे विनिष्ठ करबो बोली बाइबल लेखा जाय छ दे अग्नि निमंदे तारे दस पद रे लिखा जाय छंदी प्रभु का दिन चोर रे परियो उपस्थित होबा सही दिन आकाश मंडल महा सत्य सह लोप पाइबो पुणी मौलिक वस्तु सब प्रजंड उताप रे प्रलंबित होबो तरल तरली जीव एवं पृथ्वी यही ओ तन्य दोस्त मनुष्य कृत वस्तु सब दग्ध होबो पृथ्वी सब नष्ट बोली बाइबल लिखा जाए बंधुगण ये सृष्टि करवा भूमि ए पृथ्वी गोटे दिन नष्ट बोली बाइबल लिखा जाए तो प्रथम अर्थ द्वितीय अर्थ जगन सुसमाज तीन रोह पद देख जगत को प्रेम कले जगत मनुष्य को बोझे द्वितीय विषय है जगत बोली कह अर्थ जगत निवास कर मनुष्य मान कह तृतीय आपण मान देख रोमे पुस्तक बार अध्याय दुई पद माने यही वर्तमान युगर अनुरूपी अनुरूपी हो नहीं
किंतु जयपरी तुम बाणी ईश्वर को इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राह्य ये वर्तमान जगत रो अनिरूपी नो युग बोली कहो चंद अनिरूपी नो ये वर्तमान जगत रो अर्थात युग बोली कहो बड़े ये जगत को कहो चंद अनिरूपी नो बोले अब जगत रो रीति नीति अनुसार आचरण न करन दो वे एबे अबे जानी वाक जाय चंदी ये जगत रो ईश्वर अम मानक को पृथक करवार उद्देश्य आम मान जगत जगत के प्रेम कर ना ये जगत गोटे दिन विनिष्ट होगत रीति नीति अनुसार आम मान आचरण न कर जगत विषय बाइबल कहवाटा बड़े न कहीं जगत को तुम प्रेम न कर बाइबल कहार अर्थ हला गलात्य पुस्तक एक अध्याय चारिपद देख दुईटार पढ़ु दुई गलात्य पुस्तक एक दुईटार आउ मोहर संगरे थिबा भाई समस्त गलात्य मंडली समूह को देखुचि हम मान को पिता ईश्वर हो प्रभु जीशु कृष्ण को डारू अनुग्रह शांति तुम मान को प्रति हो से हम मान को पिता ईश्वर को इच्छा अनुसार यही वर्तमान जगत रु हम मान को उद्धार करवा पाई हम मान को पाप निमंदे प्रधान जुगे जुगे वर्तमान जगत रु ईश्वर आम मान को कौन कर उधार जगत रुश्वर आम को उधार कर जगत को प्रेम न कर कारण हला द्वितीय करती चारि अध्याय चारि पद फिर एम लिखा जाए ईश्वर प्रतिमूर्ति जे गौरवमय सुसमाचार आलोक जपरी प्रकार लोक प्रति प्रकाशित न हुए मंदे यही जगत अधिपति जगत को प्रेम न कर बोली कहार कारण कौन जगत अधिपति जन हो जगत अधिपति सैतान अटंती जीशु कृष्ण निकट काश कि सैतान ये कथा कहते कौन कहते माति सुसमाचार चारि अध्याय सैतान कहवाटा आपण मान देख तार आठ पद प्रमाण प्रणाम कर अधिकार अच्छे आकाश पृथ्वी भूमि सब ये तार घात पड़े गले बोली पचारे जो बड़े आदम अबुआ पाप करते भूमि ये पृथ्वी सैतान घात से सैतान घात जगार ईश्वर आम मान को मनोनीय कर मनोनीत कर सकाच आम जगत को प्रेम न कर बोली बाइबल कौन कारण जगत कहीं प्रेम न कर बोले जगत रोटे दिन ईश्वर निहार पक सब विनिष्ट कर
निष्ठ कर जगत विश्वासी माने जीवन धारण करवार अच्छे और बाइबल कहते जगत से मानक योग्य नाला एवरी पुस्तक एगार अध्याय थर्टी एट लिखा जगत आमक योग्य ना जगत को प्रेम करो ना कारण जगत ईश्वर मुख मनोदित कले दुई जगत ईश्वर विनिष्ट कर जा जगत अधिकारी सैतान अटंती ये सैतान या जगार ईश्वर आमको मनोदित कदि एटिया रखे से जगत को प्रेम कर ना जगत आमको योग्य ना और आपण मैंने देखले जगत आम मान क्लेश होची बोली लिखा जा जगत को मनोनीत कल क्या जगत आम मान क्लेश होची बोली जगन्न सुसमाचार षोल अध्याय तेतीस थर्टी थ्री शेष वाक्य लिखा जा देखो ईश्वर कहते जगत रुम मान मंदे क्लेश अच्छी ईश्वर कहते हैं जगन्न सुसमाचार पंद्रह अध्याय कोड़े पद भी देख जगत जगत घृणा कर जीसुजे कहते जगत तुमको क्लेश अच्छी से जीस अवृत कहते जगत तुमको घृणा कर घृणा कर जगत जीवन जापन कर प्रत्येक विश्वासी भाई भौणी मान को जगत रु क्लेश गुड़िक जगत आमको घृणा करता है से आम बाह कर आवश्यकता नहीं आपण मैने जगत क्लेश आम जीवन में घटवार गोटे उद्देश्य रही जा फिलिपिय पुस्तक एक अध्याय ट्वेंटी नाइन तो मत देख दुख भाग अनुग्रह कर अनुग्रह इंग्लिश गिफ्ट दुख भाग आपण मान गोटे गिफ्ट गिफ्ट बोली कहार अर्थ है बरदान ख्रीस्टिया जीवन रे दुख भोग ईश्वर आम मान को दान दे जीशु ख्रीष जगत जीवन जापन करवा समय संस्था को बहुत दुख भोग होकर आमर जीवन रे भी बहुत दुख गुड़िक घटव आपरे प्रेरित पुस्तक पांच अध्याय फोर्टी वन तुम देख से ही नाम सकाशे अपमान भोग योग्य बोली प्रणत हो आनंद
अपमान भोगी बाग योग्य बनी गुण तो होई थी ने विष्णु नाम रे अपमान करो आप योग्य है ला ये जगत रे अपमान को दुख भाव हो ची घृणा करवे अपमान करवो आउ प्रेरित पुस्तक रो 14 अध्याय रो 22 पद रे लिखा जाई चंदी विश्वास रे टिया है बार होची अनेक कष्ट दे ईश्वर के राज्य रे प्रवेश करवार होची बोले बाइबल लिखा जाई छे अनेक क्लेश मध्य विश्वास रे कौन भाई होची टिया है बार होची अनेक क्लेश दे ईश्वर के राज्य रे अब मैंने प्रवेश करवा रचे बोली बाइबल को चुन्दी अब बंदों का ना अपन मार कर जीवन रहने का क्लेश हो गोटी बो एक क्लेश गोटले एक क्लेश हो अपन मार को ईशान कर राज्य रे प्रवेश करवा को जोग्य करने अवर तस्लोनी का पुस्तक पढ़ते मत तस्लोनी क्या तीनी रा तीनी पद रहे ఎనిమిది లెక్కలు ఇచ్చింది సమస్త క్లేశ మధ్యవరే విచరణ తోపు నహి తిని తిని ర తిని యాపరి జయకహి ఎగి సమస్త క్లేశ మధ్యవరే విచరణ తో ఉయ నహి ఆమపనే जीवन क्लेश गुड़ अनुभव करने को निरूपण कर अर्थ जगत मान कर प्रेम कर देख जगत को हमें जगत रु हमें कौन करवार अच्छी जगन सॉरी फिलिपिया पुस्तक दुई रो 15 पद देख जेपरी तुम मैंने निर्दोष हो अमाई को होई एही कुटिल हो विपदगामी वंश मध्य रे जगत स्वरूप प्रकाश कर जगत प्रकाश कर काम हम मान हाथ में जीसु खोईवाट विषय आप देख जगन सुसमाचार आठ अध्याय बार पद एम कहते तुम मैने जगत ज्योति जगतर ज्योति जीशु से जीशु आम मार्क कहते तुम मान जगतर ज्योति बोली माने भी जगत जो दिया जीसु तीन वर्ष छस पर्यतर जगत को आलोक दूसरी से ज्योति कालवर कृष्ण मरण द्वारा लिबिगला परे जीसु वर्तमान आम मान को ज्योति आलोक देकर गला आमर काम कौन अच्छे बोले
आम मैंने जगत में कौन करवर अच्छी आलोक देखार फिलिपिया पुस्तक से कथा कहते जे आवर दुई रा पंद्र पद आवर्तन पढ़ले आम कुटीर वंश मान मध्य जीवंत जगत ज्योति स्वरूप प्रकाशित विश्वासी मान जगत ज्योति अटंती अनेक लोक मैंने कौन कर आलोक न देखिक अंधकार बुलूं अंधकार बुलवा लोक मान ज्योति देवार आलोक देवार काम आमर आम मैंने सदा बेले कौन कर जगत रोक मान आलोक देखार आम काम कर भाई भौणी मान आपण मान आलोक जगत देखार आवर ये दी आपण मान आलोक लिबिज बनाई मातृश समाज पांच अध्याय पंद्रह पदरे यही प्रकार है लोक माने दीप जानी मान तोड़े रखी नहीं अबे दीप गुड़ी का मान कौन पाई कले मापिबा पाई माने व्यापार पाई बिजनेस को बुझंती आमर बिजनेस द्वारा आमर व्यापार द्वारा ईश्वर दीप आलोक लिबिज ना सत्य भाव आम मैंने कौन कर जगत रे आलोक देखे से दीप कौन बोली पाउल कहवाटा ओ सरी ईश्वर कहवाटा आप देखु तार पंद्रह षोह पद देख पांच पंद्रह षोह सत्कर्म देखी सत्कर्म लोक मैंने देख से आलोक विश्वासी मान आलोक कहार अर्थ कौन होमर सत्कर्म देखार अच्छे विश्वासी मान काम गुड़िक जगत लोक मैंने सदा बेले देखिक उत्तम उत्तम सत्कर्म करम सत्कर्म जगत लोक मैंने देखुंत आमे को जगार रोच से ईश्वर साक्षी स्वरूप यही उत्तम काम आम टे लोक मैंने देखा पड़ो आम उत्तम काम कले से जापर ये मानते ईश्वर आलोक अच्छे बोले बंधु कौन आम मान दिन मान आलोक देखापी चेस्टा को